हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग चैनल है आपका कोई, या फिर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है, या फिर आप कोई यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, तो आपको एडसेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी, क्योंकि एडसेंस अकाउंट की सहायता से ही आप अपने पैसे को अपने बैंक में रिसीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि हमें एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए, पहले बनाना चाहिए या बाद में बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको अपना एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको इस एडसेंस से रिलेटेड एक ज़रूरी टिप भी दी है जो आप सबको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपका ब्लॉगिंग चैनल है, आप ब्लॉग्स बना के डालते हैं, तो आपको अपना एडसेंस उसके लिए कब क्रिएट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब तक आपके ब्लॉगिंग चैनल पे 15 से 20 आप ब्लॉग्स बना के नहीं डाल देते, तब तक आप अपना एडसेंस अकाउंट उस पर ना बनाएं। जब आप 15 से 20 अपने ब्लॉग्स उस पर बना दें, उसके बाद ही आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाएं। क्योंकि 15 से 20 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके ब्लॉग से, आपके ब्लॉगिंग चैनल से ऑडियंस नहीं जुड़ेगी, तब तक आपको इनकम नहीं होगी, तो आपको एडसेंस बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी बनाएं, जब आपके चैनल पे 15 से 20 ब्लॉग्स हो जाएं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट्स के लिए एडसेंस अकाउंट तभी बनाएं जब आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक आने लग जाए, आपको ये पता लगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो ग्रो होना शुरू हो गई है, इस पे ट्रैफिक आ रहा है, डेली ट्रैफिक आ रहा है, तभी आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाएं। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, तो उसके लिए आपको एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं, तो उसके लिए आपके चैनल के ऊपर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाएं। तो आपके लिए बेनिफिट भी है और आपके लिए सही भी है, क्योंकि पहले अगर आप बना देंगे तो उससे आपको कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपसे ऑडियंस नहीं जुड़ेगी, आपका वॉच टाइम, आपके सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होंगे, तब तक आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। और अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो एडसेंस अकाउंट्स में आपको पैसे ही नहीं आएंगे। तो इसलिए जब तक आपके 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता, तब तक आपको यूट्यूब पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको लास्ट में एक टिप बता देता हूँ एडसेंस से, जो बहुत ही ज़रूरी है और आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जो एडसेंस अकाउंट आप बनाते हैं वो एक ही होता है, मतलब एक मेंबर के लिए आप केवल एक ही क्रिएट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। आप दो एडसेंस अकाउंट एक ही आईडी से नहीं बना सकते। जैसे मैं चाहूँ कि मैं किसी दूसरी वेबसाइट या चैनल बनाऊँ और उसे कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट दूँ और उसे अपने नाम से ही बनाऊँ, तो वो नहीं होगा, एक नाम से एक ही बनता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई और है बड़ा, तो आप उसके नाम से बना सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से आप बना सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपका भाई हो गया, बहन हो गई, उसके नाम से आप बना सकते हैं उसकी आईडी देके, लेकिन आप अपने नाम से खुद दो एडसेंस अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अब ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी कि आपको एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए और कब नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।